हाँ जी दोस्तों, मैं एक बार फिर एजुकेशन से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। ये जो अभी अभी बच्चे 10th के बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि सीबीएसई ने अभी अभी हाल ही में ट्यूसडे को 10th क्लास के लिए, कि जो बच्चे भी 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एक सर्कुलर निकाला है, एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर क्या कहता है कि जो बच्चे 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो उनका 20 नंबर का होता है इंटरनल असेसमेंट और 80 मार्क्स का होता है बोर्ड का एग्जाम। जी आज से पहले क्या होता था कि 20 नंबर के इंटरनल में पास होना कंपलसरी था और प्लस जो 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम उसमें भी पास होना कंपलसरी था। अगर बच्चा इंटरनल असेसमेंट में और बोर्ड एग्जाम दोनों में पास होता है तो बच्चा पास माना जाएगा। लेकिन इस बार जो है सीबीएसई ने सिर्फ इसी बार के लिए छूट दी है कि अगर कोई बच्चा इंटरनल असेसमेंट में फेल है और वो बोर्ड में पास है तो पास माना जाएगा। मतलब मेरा कहने का ओवरऑल ये है कि अगर बच्चे के इंटरनल असेसमेंट और बोर्ड एग्जाम दोनों को मिलाकर ओवरऑल 33% बनते हैं तो बच्चा पास माना जाएगा। आइए हम इस सर्कुलर को एक बार जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले गया मैं गूगल पे और यहाँ मैंने डाला CBSE। जी देखिए यहाँ पे आपके आ गई CBSE की वेबसाइट और मैंने जो है इस पे क्लिक किया तो देखो यहीं पे आ रहा है रिसेंट अनाउंसमेंट पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10th स्टूडेंट ऑफ 2017-18 बैच। मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारे सामने जो है ये सर्कुलर खुल के आ गया। देखिए जी ये सर्कुलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन CBSE ने जारी किया है 27 फरवरी 2018 को, मतलब अभी हाल ही में ट्यूजडे को जारी किया है। देखो ये सर्कुलर क्या कह रहा है, इसमें इसने बोला कि जो बच्चे 9th में थे और अब वो 10th में आ गए तो उनके लिए छूट है कि जिन बच्चों के पास 5 मेन सब्जेक्ट है जैसे कि आपका मैथ साइंस इंग्लिश SSG एंड हिंदी, जो 5 उनके मेन सब्जेक्ट है उसमें जो कि आपका 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है और 80 मार्क्स का आपका जो बोर्ड एग्जाम है तो इसमें इस बार जो है ओवरऑल 33% लाने की नीड है। मतलब आपको 20 मार्क्स वाले में सेपरेटली पास होने की नीड नहीं है, सॉरी कंबाइंडली पास होने की नीड नहीं है और 80 मार्क्स वाले में भी सेपरेटली पास होने की नीड नहीं है। मतलब आप कुल मिलाकर अगर दोनों के मार्क्स जोड़कर अगर आपके 33% मार्क्स बनते हैं तो आप पास माने जाओगे। और इसके अलावा एक स्कीम और निकाली है या फिर कहूं तो एक बात और कही है कि जो बच्चे जो NSQF स्कीम में है, मतलब जिनके पास साइंस है मैथ है SST है और भी दो लैंग्वेज है, तो अगर कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में मतलब साइंस मैथ या SST अगर इन तीन में किसी में फेल होता है तो जो उसका एडिशनल सब्जेक्ट है वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन बस एक बात है, जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट आएगा जिसमें से कि एडिशनल में 50 मार्क्स का होता है इंटरनल और 50 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम तो उसमें आपको सेपरेटली पास होना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर वो आपकी स्कीम लागू नहीं होगी कि मैं दोनों को मिलाकर 33% ले आऊँ। अगर आपके पास एडिशनल है तो आपको उसमें जो है अलग अलग क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा, मतलब आपको जो है 33% जो है इंटरनल में भी और एज वेल एज बोर्ड एग्जाम में भी लाने पड़ेगा, देन तब आप जाके पास होगे। तो ये जो थी 10th के लेकर की अच्छी न्यूज थी कि जिन बच्चों का असेसमेंट में पूरे मार्क्स नहीं है और वो बोर्ड में मार्क्स ला सकते हैं तो पास माने जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली कि इंटरनल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों को मिलाकर 33% लाने हैं। तो 10th वालों ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच और आई होप कि आप जो है अच्छे मार्क्स ला के पास हो जाओगे। थैंक यू एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।